और बुलंदशहर की एक केमिकल फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ, जिसमें फैक्ट्री ध्वस्त हो गई। हादसे में 4 लोगों के मरने की खबर है। धमाका इतना तेज था कि विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर तक गई। आसपास के मकानों के खिड़की दरवाजों के शीशे भी टूट गए। हादसे में मृतकों के शव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। राहत और बचाव कार्य के लिए अग्निशमन की टीमें बुलाई गई। इसके साथ ही डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। हादसे स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। यह हादसा बुलंदशहर कोतवाली नगर के नया गांव इलाके में हुआ है। ये कोतवाली नगर में एक ये नया गांव पड़ता है। यहाँ खेतों के बीच में एक मकान बना हुआ था, जिसमें ब्लास्ट होने की सूचना मिली। 112 पे जो कॉल किया गया था, उसमें सिलेंडर ब्लास्ट होने की बात बताई गई और अंदर से यहाँ कुछ सिलेंडर बरामद भी हुए हैं। अभी यहाँ पे हमारी पुलिस की, प्रशासन की, फायर सर्विस की और सीएमओ की टीमें यहाँ लगी हुई हैं। फोरेंसिक फील्ड यूनिट को भी यहाँ पे बुला लिया गया है। अब तक जो यहाँ पे देखा गया है, उसमें 4 लोगों की मृत्यु होना अभी प्रकाश में आया है। यहाँ से बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और जो हमारी टीमें हैं, जो फायर सर्विस की टीम है और फील्ड यूनिट की टीम है, वो यहाँ मौके से साक्ष्य एकत्रित कर रही है।